हाँ तो गाइस, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज में। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि एनटीए द्वारा जो सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ था 6 फेज में, उसका क्या हो गया है, आप लोग को आंसर की आ चुका है। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है सभी फेज का, तो ऑल फेज का आंसर की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आप लोग अपना आंसर की डाउनलोड करेंगे पूरी के पूरी स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, वो भी ऑफिशियल। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर हम लोग कहाँ हैं अभी, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि NTA.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखेगा लेटेस्ट एड्रेट NTA करके। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इजी वे में आप लोग को स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, साफ साफ दिया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने वह नोटिफिकेशन क्या होगा, डाउनलोड होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। इस कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आएगा जो कि आप लोग देख सकते हो, कल देर रात 12 बजे रात को आप लोगों को आया था आंसर की। तो चलिए, इसमें कुछ बताया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 15 जुलाई से 30 अगस्त तक आप लोगों को 6 फेज में आप लोगों को लिया गया था एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप लोगों को मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फेज की बात कर ले तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप लोग को ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज देख सकते हैं 8 सितंबर से 10 सितंबर तक आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और 11:50 PM तक का अप टू 11:50 तक 10 सितंबर तक आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 10 सितंबर 2022, यानी कि आप लोग चैलेंज भी कर सकते हो। फॉर ऑल पेपर कंडक्टेड फॉर से वन से कितने तक, 6 फेज तक आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी में बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, अप टू 10 सितंबर तक आप लोग क्या करवा सकते हो, पेमेंट करवा सकते हो। नो चैलेंज विल बी इंटर्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी, द चैलेंजेज विल बी टू बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो आप लोग को पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग क्या करो, आप लोग फटाफट क्या अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से क्या कर सकते हो, ईजिली देख सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, प्लीज़ गो टू द वेबसाइट, इस वाले वेबसाइट जो आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद आंसर की कैसे देखना है, दूसरा स्टेप है लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड और लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड इंटर सिक्योरिटी पिन एज डिस्प्ले एंड क्लिक ऑन लॉग इन बटन। जैसे ही ये सब फिल करके लॉग इन करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा क्लिक व्यू चैलेंज आंसर की बटन। चौथा स्टेप क्या है, द ऑप्शन नेक्स्ट द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शंस स्टैंड्स फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय NTA। और पांचवा स्टेप क्या है, इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज वन मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन इन नेक्स्ट 5 कॉलम बाई क्लिकिंग सही। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट 5 कॉलम में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा टिक आउट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। छठा फेज क्या है, यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन सिंगल PDF फाइल। जैसे ही आप लोग अपलोड करेंगे तो आपसे एक सिंगल PDF फाइल मांगेगा, उसको क्या करना होगा, सिंपली अपलोड कर देना होगा। ये तो आप लोग समझ लिए होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का लिए आप लोग कितने रुपये देने होंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आप लोग को 200 रुपया आप लोग को पेमेंट देना होगा एज अ क्वेश्चन चैलेंज के थ्रू। कैसे कैसे पेमेंट करना है, तो आप लोग क्रेडिट कार्ड, बैंक, नेट बैंकिंग, पेटीएम से कर सकते हैं, जो कि आप लोग 200 रुपया जो दोगे ना NTA को, वह रिफंडेबल नहीं होगा, आप लोग को वापस नहीं किया जाता। दोस्तों, आई होप आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट क्या करो, आप लोग अपना आंसर के डाउनलोड करना शुरू करो। देखो, जैसे इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यह लेकर जाएगा आपको लॉग इन पेज पर।
जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रूफ के तौर पे, नोटिफिकेशन तो मैंने दिखा ही दिया हूँ और साथ ही साथ आप लोग देख भी लो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन देगा। बस थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह इंटरनेट का टट्टी निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे लॉगिन करके अपना क्या कर रहे होंगे आंसर की देख रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो ऑप्शन खुल कर आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में क्या दिखा रहा है, आप लोग को लॉगिन पेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे सिंपली इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू इवेंट पब्लिक नोटिस। तो आप लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे लॉगिन करने वाले पेज पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अरे क्लिक का नहीं हो रहा है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो कैंडिडेट लॉगिन एक्टिविटी है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कैंडिडेट एक्टिविटी लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यह आपसे कुछ यहाँ पे दिखेगा, आप लोगों को लॉगिन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप बताया था वैसे वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों क्या करना होगा, डालना होगा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ये वाला सिक्योरिटी पिन डाल के सिंपली आप लोगों क्या करना होगा इस वाले लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारा ऑप्शन खुल जाएगा जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे।